हे तो कैसे यार, थंबनेल तुमने देख लिया होगा। उम्मीद बैच को हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं, या फिर इस टाइम हमें कौन सा कैसा क्रैश कोर्स फॉलो करना चाहिए, और क्रैश कोर्स फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं फॉलो करना चाहिए, और इसे हम कैसे इफिशियंटली यूज कर सकते हैं। तो यार वो टाइम है जब तुम्हारे पास 80 दिन बचा, तुम्हें जाहिर सी बात है पता है। अब अगर तुम कोई ऐसा क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है यार, कोई मतलब डिफेम या फेम वाली बात नहीं है। अब अगर इस टाइम तुम कोई ऐसा क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो जिसमें 10 से 12 घंटे का लेक्चर चल रहा है, या 12 से 14 घंटे का लेक्चर चल रहा है, जो कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में देखा गया, मैंने कई बार देखा उम्मीद बैच में, और भी जो बैचेस है और भी जो क्रैश कोर्स है। अब यार अगर तुम डेली 12 से 13 घंटे का लेक्चर कर रहे हो, तो फिर ये सोचो तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार, मतलब मेरा तो यार पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर लास्ट में ना पढ़ो तो सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि यार प्रॉब्लम मिलती है ना कि तुम्हें क्या फील होगा, तुम्हें फील होगा अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम 12 से 13 घंटे बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, लिख रहे हो। अब तुम डेली बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, लिख रहे हो, तुम्हारे अंदर थकान आ रही है, तुम इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा यार कि तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तुम जो याद करो याद हो रहा है वो या नहीं हो रहा है। लेकिन जब आखिर में सारा का सारा क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, अब इट्स नॉट अबाउट उम्मीद बैच, बहुत सारे मार्केट में कोचिंग्स है, जैसे संकल्प भारत हो गया, PW हो गया तुम्हारा, KGS का भी एक बैच आ रहा है खान सर का, और भी अनअकैडमी का एक बैच आएगा, जितनी कोचिंग है सब लोग अपना इस समय क्रैश कोर्स लेके आएगी यार। मतलब बेसिकली क्या है ना, उनका मकसद ये रहता है कि हम इस समय क्रैश कोर्स ले आए, 90% 99% पब्लिक बाहर हो जाएगी ऐसे ही, और वो फिर से हमारे पास पढ़ने आ जाएगी, और तुम अभी टीचर को जज कर लोगे, हाँ यार ये टीचर अच्छा है, मैं इसी से पढ़ूंगा। तो यार बेसिकली इनका मकसद ये होता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है मैं गलत हूँ यार, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो अपना यार जो टाइम है बहुत ज्यादा प्रीसियस है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा यार इसका मतलब पूरा का पूरा प्रॉब्लम, पूरा का पूरा वार, पूरा का पूरा दर्द हमें झेलना पड़ेगा यार। मैंने तो इधर 4-5 बार झेला यार। तो यार बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे तुम्हारी अपनी राय हो सकती है, किसी की अपनी राय हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग यार सबसे पहले जो चैप्टर तुम्हारे पूरे हो गए हैं वो खुद से पढ़ो, या फिर बहुत सारे क्रैश कोर्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स कोटा है, उन्होंने 2 घंटे में 2.5 घंटे में सारा का सारा चैप्टर खत्म कर दिया है, एक बार तुम उसे देख सकती हो। और अनअकैडमी कोटा प्लस द्वारा एक नेटफ्लिक्स करके सीरीज है, उसमें सारे के सारे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वो भी यूट्यूब पे ही है। उसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रखा है, कम टाइम में अवेलेबल करा दिया है, अच्छी अच्छी क्वालिटी तुम्हें दे दी है, तो उसे तुम फॉलो कर सकते हो एक बार तुम क्रैश कोर्स के फॉर्म में चाहो तो। बाकी बायोलॉजी के लिए आकांक्षा मैम का वन शॉट है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो कर सकते हो। लेकिन यार किसी भी चैप्टर का तुम 12-14 घंटे का लेक्चर इस टाइम पे देख रहे हो, तो तुम सोचो उस लेक्चर को रिवाइज कब करोगे, उस लेक्चर को करोगे कब। अल्टीमेट यार तुम दिन भर मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम ये देखो तुम कर क्या रहे हो, ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एक वो बंदा जिसके 60-70% सिलेबस कम्प्लीट है, और एक 80-90 कम्प्लीट है, और एक 30-40% कम्प्लीट है। अब यार देख अगर तेरा 30-40% सिलेबस कम्प्लीट है तो जाहिर सी बात है तुम्हें उम्मीद बैच के साथ जाना चाहिए, उम्मीद बैच फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यार करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। अब एक बार तुम्हारा 60-70% कम्प्लीट है, तो 60-70% कम्प्लीट है, थोड़ा सा और मेहनत करोगे 80 पे चले जाओगे, 80 पे चले जाओगे यार, तो जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो गए उसके लिए तुम कोई भी बैच नहीं देखना चाहिए, और जो चैप्टर तुम्हारे बचे हैं उसके लिए तुम उम्मीद बैच या कोई ऐसा बैच ऐसा लेक्चर 10 से 12 घंटे वाला फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसमें भी तुम इस साल का फॉलो मत करो, तुम पिछले साल का फॉलो करो, क्योंकि हो सकता है जो चैप्टर तुम्हारा वीक है, जो चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ा वो आखिरी में कराया जा रहा हो। जैसे तुमने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है, या 1D पढ़ा है, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और तुम अभी जो तुम्हारे पास प्रीसेल टाइम है, अभी जब तुम्हें पढ़ने का टाइम है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी आ जाता है, तो तुम 10 से 12 घंटे उस चैप्टर का लेक्चर कर रहे हो, फिर कल को चल के जब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा तुम और ज्यादा डिमोटिवेट फील करने लगोगे। देखो पहली बात यार संभावनाओं के पीछे भागो, मतलब पॉसिबिलिटीज के पीछे भागो, इमोशंस के पीछे नहीं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जोश आ गया मोटिवेशन आ गया तो फाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यार। ऐसा सिर्फ 10-15 मिनट के लिए होता है, या 1 दिन होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन होता है, लेकिन फिर से रियलिटी में आओ फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो सोच समझ के आप जो भी करो, जैसे भी करो, तो जो चीजें तुम्हारी हो गई है उसके लिए पढ़ो, और बहुत अच्छे से नहीं हुआ है तो PYQ करो, PYQ को बार बार करो यार, क्योंकि PYQ के लेवल पे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल, 3-4 कह रहा हूँ, PYQ के लेवल पे 130-140 नंबर के क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, तो कोशिश करो कि 3-4 बार PYQ करो, ऐसे एकदम अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करो कि खुद से पढ़ के ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करो, ऑन बिहाफ ऑफ तुम किसी का 10 से 12 घंटे का लेक्चर देख रहे हो और सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, सुबह से शाम हो जा रही है, रात से सुबह हो जा रही है, तो बस इन चीजों पे ध्यान देना है और अच्छे से मेहनत करो, जो दिक्कत है यार लगे रहो, बाकी तो मेरे हिसाब से जो हो रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ।